जीवन संग्राम में अगर विजेता बनना है तो श्री रामचरित मानस को अपने जीवन में उतारें। जिस दिन राज्याभिषेक उसी दिन वनवास। कल्पना करें जीवन की कितनी कड़ी परीक्षा है, फिर भी उस नायक ने उस परीक्षा को पास किया और मनुष्य से देवत्व को प्राप्त किया। जब वनगमन के लिए प्रस्थान करने लगे, अचेतावस्था में पड़े हुए महाराज श्री दशरथ जी किसी तरह बोलने का प्रयास करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मुझे बंदी बना लो और राम का राज्याभिषेक कर दो। कोप से भरी हुई कैकेयी डर जाती है, कहीं ऐसा ही ना कर दें, लक्ष्मण जी क्रोधी हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने इस भाव विभोर कल्पना को साकेत के माध्यम से व्यक्त किया है। भरत की माँ डरी सुन भूपवाणी, कहीं वह राम लक्ष्मण ने प्रमाणी। पतित क्या उन्नतों के भाव जाने, उन्हें वे आप ही में क्यों नसाने। कहा प्रभु ने पिता हा मोह इतना, विचारो किंतु होगा द्रोह कितना। तुम्हारा पुत्र मैं आज्ञा तुम्हारी, न मानू तो कहे क्या सृष्टि सारी। प्रकट होगा कपट ही हाय इससे, न माँ के साथ होगा न्याय इससे। मिटेगी वंश मर्यादा हमारी, बनेंगे हम अगौरव मार्गचारी। कहाँ है हा तुम्हारा धैर्य वह सब, कि कौशिक संग भेजा था मुझे जब। लड़कपन भूल लक्ष्मण का सदय हो, हमारा वंश नूतन कीर्तिमय हो। क्षमा तुम भी करो सौमित्र को माँ, न रखो चित्त में उस चित्र को माँ। विरत तुम भी न हो अब और भाई, अरे फिर तात ने संज्ञा गमाई। रहूंगा मैं यहाँ अब और जब तक, बढ़ेगा मोह इनका और तब तक। करूं प्रस्थान इससे शीघ्र ही अब, इन्हें दें सांत्वना मिलकर स्वजन सब। प्रणतिमिस निज मुकुट सर्वस्व देकर, चले प्रभु तात की पद धूल लेकर। चले उनके अनुज भी अनुसरण कर, सभी को छोड़ सेवा को वरण कर। कहा प्रभु ने कि भाई बात मानो, पिता की ओर देखो हठ न ठानो। कहा सौमित्र ने कर जोड़ कर, तब रहा यह दास तुमको छोड़ कर। कब रहे क्या आज जाता देख वन को, करो दोषी न इतना नाथ जन को।